कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के ओमिक्रॉन एपिसेंटर में एक बड़े अस्पताल का शुरुआती डेटा बताता है कि यहां कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, लेकिन मरीजों को गंभीर रूप से मेडिकल सहायता की कम ही जरूरत पड़ रही है। टिटोरिया में द स्टीव बाइको और श्वाने जिला अस्पताल ने 14 से 29 नवंबर के बीच 166 नए मामले दर्ज किए थे, जिनमें से 42 मरीज अभी भी वार्ड में दाखिल हैं। साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च काउंसिल और स्टीव बाइको अस्पताल में इन्फेक्शियस डिसीज डॉक्टर फरीद अब्दुल्ला ने इन मरीजों में दिख रहे लक्षणों और उनकी स्थिति को बारीकी से ऑब्जर्व किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीज ने पुष्टि की थी कि एपिसेंटर में लगभग सभी नए मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। हालांकि डॉक्टर अब्दुल और उनकी टीम अभी ये साक्ष्य नहीं जुटा पाई है कि संक्रमण के सभी नए मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। डॉक्टर अब्दुल ने कहा, लेकिन फिर भी एक तार्किक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस डेटा से जुड़े मामले नए वेरिएंट के संक्रमण के हो सकते हैं। कैसे थे मरीजों के लक्षण और हालात? रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 वार्ड में दाखिल अधिकांश मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, जैसा कि पिछली लहर में देखा गया था। 2 दिसंबर को कुल 38 मरीजों को भर्ती किया गया था। इन 38 वयस्कों में से 6 वैक्सीनेटेड, 24 अनवैक्सीनेटेड और 8 ऐसे लोग थे जिनके वैक्सीन स्टेटस की कोई जानकारी ही नहीं थी। पूरी तरह से वैक्सीनेट केवल एक शख्स को ही ऑक्सीजन पर रखा गया। हालांकि फेफड़ों में पल्मोनरी डिजीज के चलते इलाज की जरूरत पड़ी। इन 2 सप्ताह के भीतर 2 लोगों को इंसेंटिव केयर में रखने की जरूरत पड़ी। कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों में करीब 29% 9 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे थे, जबकि 28% मरीजों की उम्र 30 से 39 साल के बीच थी। कोविड वार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सप्ताह में यहां किसी मरीज की मौत नहीं हुई थी। बता दें कि पिछले 18 महीने में हुई कुल मौतों में बच्चों की हिस्सेदारी 17% है। बीते 18 महीने में कोविड वार्ड में एडमिट रहने का औसत समय 2.8 से 8.5 दिन रहा। अब तक यहां कुल 10 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इन्हें ओमिक्रॉन से नहीं जोड़ा गया। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। अगले 2 सप्ताह में चीजें काफी हद तक साफ हो जाएंगी। हालात कितने बदतर होंगे ये समझने के लिए इतना समय काफी है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।